पूरी दुनिया में फैला कोरोना वायरस अब घातक साबित हो रहा है। भारत में भी कोरोना वायरस अब अपने पैर पसार रहा है। इसकी सबसे ज्यादा संख्या उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। आगरा, नोएडा, गाजियाबाद के बाद अब कोरोना वायरस लखनऊ पहुँच गया है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कोरोना वायरस के पहले मामले की पुष्टि हुई है, जिसके बाद से भारत में कोरोना वायरस के पीड़ितों की संख्या 61 हो गई है। कनाडा से लखनऊ अपने रिश्तेदारों से मिलने आई एक महिला में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। हालांकि महिला के पति की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। कनाडा से लौटी इस महिला को KGMU के आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। इस बीच कोरोना वायरस के खौफ से लखनऊ में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यानी IIM का दीक्षांत समारोह टाल दिया गया है। इससे पहले IIM बेंगलोर समेत दूसरे संस्थानों ने भी समारोह कैंसिल किए थे। वहीं बिहार के पटना के PMCH और NMCH में कोरोना वायरस के 2-2 संदिग्ध भर्ती हुए हैं, जिनके नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। कोरोना वायरस के संदिग्धों को 14 दिनों तक अलग रखने के लिए ITBP ने 4 और सेंटर बनाए हैं। ITBP ने BTS, किमिंग, शिवंगई और करेरा में सेंटर बनाए हैं। न्यूज डेस्क।